मैं हमेशा 10 गुना ज्यादा लौट आता हूँ, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसमें से क्या छूट? जब कोई बॉलीवुड के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का नाम आता है। ये दोनों सुपरस्टार बॉलीवुड पर राज करते हैं और लंबे समय से पूरा देश इस जोड़ी को एक बार फिर साथ स्क्रीन शेयर करते देखना चाहता है। कॉफी विद करण के 8वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, जिसमें करण जौहर के टॉक शो के पहले मेहमान के रूप में गेस्ट जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शामिल हुए। रैपिड फायर राउंड जो अपने तीखे सवालों के लिए जाना जाता है, अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहा और रणवीर ने कई इंटरेस्टिंग जवाब भी दिए। विशेष रूप से उनके पास फरहान अख्तर की मच अवेटेड डॉन 3 में उनकी कास्टिंग के क्रिटिक्स के लिए एक मैसेज था। इसके अलावा रणवीर ने इस बात पर अपना रिएक्शन दिया कि दीपिका किसके साथ स्क्रीन पर सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। कॉफी विद करण के सीजन 8 के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह एक वायरल सवाल का सामना कर रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो डॉन 3 में भूमिका के लिए सही फिट नहीं थे। जवाब में रणवीर ने कहा, एक मौका दे दो, 12-13 साल में ठीक ठाक ही काम किया है मैंने, तो एक मौका तो बनता है। जब रणवीर से पूछा गया कि दीपिका किसके साथ स्क्रीन पर सबसे अच्छी लगती हैं, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपनी ओर इशारा किया। हालांकि करण द्वारा किसी और को चुनने के लिए कहने पर उन्होंने शाहरुख खान का नाम ले लिया। डॉन 3 में वो हिस्सा भी शामिल है जहां डॉन और शाहरुख अपना टाइटल रणवीर सिंह को सौंप देंगे, जिसे रणवीर सिंह को डॉन 3 में एज डॉन देखा जाएगा, जिसका टीजर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फरहान की कहानी के अनुसार डॉन 3 में रणवीर सिंह का कैमियो भी होना था, वो भी डॉन का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन अब शायद उल्टा हो गया है क्योंकि डॉन 3 में शाहरुख खान काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो लेगेसी के लिए कैमियो दे ही सकते हैं। तो यहाँ फरहान का आइडिया काम कर सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज यही है कि डॉन 3 में शाहरुख खान बिग बी का कैमियो रोल हो, ताकि फैंस को ट्रिपल ट्रीट मिल सके। ये दोनों साथ में 17 साल बाद स्क्रीन शेयर करेंगे। हालांकि वो ब्रह्मास्त्र में भी दिखे थे, लेकिन वो भी SRK का कैमियो रोल ही था। आपको डॉन 3 में रणवीर सिंह का कितना इंतजार है बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। बाय बाय।